नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बयार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भोला यादव, लालू यादव के हनुमान कहे जाते हैं, बड़े नेता हैं आरजेडी के। उनकी गिरफ्तारी पर राजद का बयान जरूर सामने आया है और ये बयान कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर बीजेपी विरोधी खेमे में भय पैदा कर रही है, विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लालू परिवार की चुप्पी है। लालू परिवार की चुप्पी से जुड़ी हुई खबर हम आपको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन जब लगातार ये सवाल उठ रहा है कि भोला यादव, जो लालू यादव के बेहद करीबी हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, तो लालू यादव के हनुमान की गिरफ्तारी पर सीबीआई की जो कार्रवाई है भोला यादव पर, उसको लेकर कोई बयान लालू परिवार की तरफ से क्यों नहीं आया? तेजस्वी यादव चुप क्यों हैं? राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव की चुप्पी क्यों है? इस पर आरजेडी ने जवाब दिया है। आरजेडी ने लालू परिवार की चुप्पी पर जवाब दिया है। इस पूरे मामले पर जो लालू परिवार की चुप्पी है उसको लेकर जवाब दिया है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने क्या कहा है, जरा सुनिए। कहीं ना कहीं एजेंसियों का इस्तेमाल अपने हित में करती रही है और लगातार आप इधर देख रहे होंगे ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। उसी अभियान के तहत आपने देखा होगा कुछ दिनों पूर्व लालू जी के सभी ठिकानों पर छापामारी की गई थी, कुछ नहीं मिला। और इस तरह का अब चूँकि बदनाम करने का एक तरीका अपनाना चाहिए तो अपनाने के लिए इस तरह का हथियार अपनाया गया है। इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा, आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित राजनीति है और इस राजनीति के पीछे कौन लोग हैं ये भी स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। सर, सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस पूरे मामले को लेकर चुप क्यों हैं, उनका कोई ट्वीट सामने नहीं आया? देखिए, कोई चुप नहीं है। पार्टी के जो बातें हैं पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा लगातार कही जा रही है और सारी बातें स्पष्ट रूप से पब्लिक डोमेन में रखा जा रहा है। शायद कुछ लोगों को आदत हो गई है बात को बतंगड़ बनाने की और इसी बतंगड़ अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करती रही है और इस तरह की राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं महारत हासिल किए हुए है। भारतीय जनता पार्टी के संबंध में ये मैं बताना चाहता हूँ कि वो इधर हाल के दिनों में जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल किया, जिस तरह से सीबीआई का इस्तेमाल किया, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जब जब महंगाई के सवाल पर, जब जब भ्रष्टाचार के सवाल पर, जब जब सरकार अपने कारणों से घिरती हुई नजर आती है तो सरकार ईडी सीबीआई का इस्तेमाल शुरू कर देती है और उसी अभियान के तहत इधर हाल के दिनों में इसमें तेजी लाई गई है और सभी जो मुखर होकर के विपक्षी दल के नेता अपनी आवाज़ें बुलंद करती हैं उनको घेरने के लिए इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है।